नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल द क्रस्ट हब में। आज हम अपने किचन में बनाएंगे मसाला स्वीट कॉर्न। इसे आप शाम के चाय के साथ या छोटी मोटी भूख के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही चटपटा और यमी होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम देखते हैं इसे हमें बनाने के लिए क्या चाहिए और ये कैसे बनता है। कॉर्न लिया है, ये मैंने फ्रीज कॉर्न लिया है, फ्रोजन कॉर्न। आप चाहे तो फ्रेश कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है पानी में और पानी को छान लिया है। ये देखिए हमारे कॉर्न गल चुके हैं। इस तरीके का कॉर्न हमें बॉईल कर लेना है और पानी को हम एक्स्ट्रा जो है उसे छान लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे लो फ्लेम पर, और जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उस पर हम बटर डाल देंगे। जब ये बटर मेल्ट होने लगे, इसके साथ ही हमने जो कॉर्न को बॉईल करके रखा था उसे भी हम डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। साथ में ये जो हमारा बटर है वो भी मेल्ट हो जाएगा और बटर जो है जलेगा नहीं। इसे 2 से 3 मिनट तक आप बटर के साथ भून लें। आप ध्यान रखें कि आपका फ्लेम जो है गैस का वो लो होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतनी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। साथ में चाट मसाला, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और इसके साथ ही हम इसमें लेमन जूस डाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून करीब लेमन जूस का यूज़ किया है, और इसे डाल करके गैस को ऑफ कर दें आप तुरंत, और इस सभी मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और ये देखिए हमारा झटपट बनने वाला चाट मसाला कॉर्न एकदम तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और चाय के साथ या छोटी मोटी भूख में इंजॉय करें। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।